नमस्कार, आज हम बात करेंगे सनातन संस्था की। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई के पास नालासोपारा शहर में एक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में वैभव राउत को अरेस्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि वैभव राउत सनातन संस्था का सदस्य है। वैभव राउत के घर से 8 बम कुछ डिटोनेटर्स पुलिस ने जब्त किए। इसी के साथ पुलिस ने और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया। इसमें से एक संभाजी भिड़े की संस्था का सदस्य है। पुलिस का कहना है कि ये सारे लोग मिलकर महाराष्ट्र में अशांतता फैलाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस ने ये नहीं बताया कि इस षड्यंत्र के पीछे मकसद क्या है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 15 अगस्त, ईद और मराठा आंदोलन की पृष्ठभूमि में ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। कुछ ही दिन पहले सनातन ने कर्नाटक और गोवा के लेखकों को धमकियां दी है। यह बहुत ही खतरनाक मामला है। अगर इनको नहीं रोकेंगे तो और किसी का खून होगा और कई जगह बमलात हो जाएंगे। मुझे लगता है गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई भी पार्टी की हो, इन आतंकवादियों को रोकना होगा, नहीं तो देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। गोवा के कुछ राजनेता भी सनातन संस्था को मदद कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई से उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर सब सच लोगों के सामने आ जाएगा। ऐसी भी खबर है कि आगे चलकर कर्नाटका पुलिस गौरी लंकेश की हत्या के पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तार करने वाली है। मुझे आशा है एक दिन अदालत हमें राह दिखाएगी। मुंबई हाईकोर्ट में दाभोलकर और पानसरे फैमिली ने एक पिटीशन दाखिल किया है। पिछले 3 साल से वो चल रहा है और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई और महाराष्ट्र एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोर्ट के दबाव में क्यों ना हो, पुलिस कुछ काम करेगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी आशा है। आज कर्नाटक पुलिस ने कुछ काम करते दिखाया है। हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र पुलिस को और सीबीआई को यह पूछा कि जो कर्नाटक पुलिस कर रही है वो आप क्यों नहीं कर सकते। कोर्ट में अगली तारीख को पुलिस और सीबीआई को इसका जवाब देना होगा। पिछले हफ्ते नालासोपारा में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में कोर्ट को बताना होगा। अगर पुलिस ठीक तरह से काम करती है, अगर सरकार में विल पावर है, तो सनातन संस्था और उनके जैसे हिंदुत्ववादी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो सकती है। अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को धोखा पैदा हो सकता है। आप सनातन संस्था के वेबसाइट पर जाइए, देखिए क्या लिखते हैं वो, कैसी गंदगी फैलाते हैं, कैसा जहर फैलाते हैं। अपने विरोधियों के बारे में अनाप शराब लिखना इस वेबसाइट के लिए एक रोज का काम बन गया है। सनातन संस्था अपने न्यूज़पेपर में, अपने अखबार में अपने विरोधियों को गाली गलौज करता है, उनको डिफेम करने का काम हर दिन करता है। जो पुलिस ऑफिसर इनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो जज इनके बारे में कुछ केस सुन रहे हैं, उनको भी धमकियां दी जाती है, उनके खिलाफ प्रचार किया जाता है, उनको भी हरेस किया जाता है। अगर कोई सनातन संस्था की आलोचना करता है तो उसको धमकियां मिलती है। कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिखता है तो उसके खिलाफ डिफेमेशन केसेस फाइल किए जाते हैं। मैंने खुद इसका अनुभव 2012 के बाद आज तक किया है। क्या ऐसी संस्था को आप लोकतांत्रिक मानेंगे? सनातन संस्था कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सनातन संस्था आध्यात्मिक या धार्मिक संस्था भी नहीं है। सनातन संस्था एक खतरनाक कल्ट है जो अपने विरोधियों का निपात करना चाहता है। 2011 में महाराष्ट्र एटीएस ने सनातन संस्था के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह रिपोर्ट यूपीए सरकार के पास भेज दी थी और सनातन संस्था पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, लेकिन आज तक इस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं हुआ है। यूपीए सरकार गई, मोदी सरकार आई, लेकिन इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरा मानना यह है कि यूपीए सरकार इस कार्रवाई से डर गई थी और आज जो मोदी सरकार है वो तो सनातन संस्था
और ऐसे जो हिंदुत्ववादी आतंकवादी है इनके साथ मिली हुई है। नरेंद्र मोदी को जब गोवा में 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नियुक्त किया गया था, तब नरेंद्र मोदी ने गोवा में दूसरी जगह अधिवेशन हो रहा था हिंदू जनजागृति का, उनको अभिनंदन का संदेश भी भेजा था। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे नरेंद्र मोदी, ऐसे प्रधानमंत्री सनातन संस्था या राम सेने के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।